21 लाख करोड़ के पैकेज के डीकोड होने के साथ हर सेक्टर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर को भी सरकार की राहत नाकाफी लग रही है। डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई ने पीएम को एक खुली चिट्ठी लिखकर अपनी मांगों की फेहरिस्त सौंपी है। क्रेडाई ने पत्र के माध्यम से दावा किया है कि सरकार की मदद से रियल एस्टेट समेत 250 सेक्टर्स की ग्रोथ को पंख लग सकते हैं। कोरोना काल में रियल एस्टेट सेक्टर लुटा पिटा नजर आ रहा है। तमाम जतन के बावजूद लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बिक्री बढ़ना तो दूर, कोरोना से पहले से भी कम होने की आशंका है। सरकार और आरबीआई ने कई सेक्टर्स की तरह रियल एस्टेट के लिए भी कई तरह के ऐलान किए हैं, लेकिन ये सेक्टर इससे खुश नहीं है और डेवलपर्स की संस्था क्रेडाई ने बड़े पैकेज की मांग की है। Our one-time restructuring of bank loans, waiver of penal interest and additional funding to the developers, policy interventions for triggering demand, relook at the GST policy for the sector and abrupt price increase by vendors and raw material suppliers. रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों की लंबी चौड़ी फहरिस्त सौंपी है। इसमें रियल एस्टेट कंपनियों पर बैंकों के बकाए कर्ज को एकमुश्त रीस्ट्रक्चरिंग करने से लेकर माफ करने और नए घर खरीदने पर आम जनता को दिए जाने वाली राहत को दोगुना करने की मांग शामिल है। मांग बढ़ाने के लिए एक सुझाव ये दिया गया है कि अगले 5 साल तक नया होम लोन केवल 5% ब्याज दर पर मिले। एक खास मांग ये रखी गई है कि होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को 2 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाए। प्रिंसिपल के भुगतान पर मिलने वाली छूट सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जाए। क्रेडाई का इससे हजारों कंपनियों के लाखों कर्मचारियों और करोड़ों श्रमिकों को फायदा होगा, साथ ही इससे देश की इकोनॉमी में भी सुधार होगा। क्रेडाई का दावा है कि सेक्टर में 5.2 करोड़ लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और GDP में भी इसका बड़ा योगदान है। साथ ही इससे सीधे तौर पर जुड़े सीमेंट स्टील जैसे 250 उद्योगों की ग्रोथ भी तेज होगी। कुल मिलाकर इसको रिवाइव करना देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। We've also asked for a waiver of penal interest, as it'd be absolutely unfair to charge a penal interest at a time when the entire industry and all industries are in grave trouble. So towards that, the banks and NBFCs need to not recover the additional penal interest. इसके साथ ही डेवलपर्स की मांग है कि अभी तक जितने भी ऐलान किए गए हैं उनका पूरा फायदा रियल एस्टेट को नहीं मिल रहा है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार कामकाज को सरल बनाए। अगर हम पिछले 6 महीने पे देखें तो कुछ ही प्रोजेक्ट ऐसे हैं, कुछ ही गिने चुने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो उसके अंतर्गत फाइनेंशियल एड ले पाए, तो उसका बेनिफिट जो इंटेंडेड बेनिफिट था वो नहीं आ पा रहा है। तो आई थिंक सरकार को शॉर्ट टर्म में अपने प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना चाहिए, सो दैट जो डेवलपर्स हैं जिनको जरूरत है वो उन स्कीम्स का, उन मेजर्स का बेनिफिट ले पाए। मुझे लगता है सरकार को सिंगल विंडो क्लियरेंस पे काम करना चाहिए जो रियल एस्टेट की काफ़ी समय से डिमांड रही है। इसके चलते ना तो सिर्फ डेवलपर्स को फायदा होगा, डेवलपर्स का कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी रिड्यूस, बट इसके चलते कस्टमर कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी मदद। यानी अगर सरकारी योजनाओं का फायदा डेवलपर्स तक पहुंचता है तो फिर इनका ज्यादा बड़ा असर होगा और रियल एस्टेट ही नहीं, इससे चलने वाले सैकड़ों उद्योगों को भी फायदा होगा। आदित्य के राणा, आज तक। देश में इस साल अब तक की सबसे बड़ी मंदी आने की आशंका गहराती जा रही है। क्रिसिल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल देश की अर्थव्यवस्था 5% लुढ़क सकती है। वहीं SB इकोरैप की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि 2020-21 में देश की विकास दर घटकर -6.8% पर आ सकती है। आजादी के बाद चौथी मंदी। चार साल में सुधरेगी अर्थव्यवस्था। ।2020-21 में -6.8% होगी विकास दर। कोरोना के कहर से बर्बाद हुई इकोनॉमी। इस महीने के आखिरी वर्किंग डे
यानी 29 मई को एनएसयू जनवरी से मार्च तिमाही की विकास दर के आंकड़े जारी करेगा। इसके बाद 2019 से 20 में देश की साल भर की जीडीपी की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। रॉयटर्स के पोल के मुताबिक 2020 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च में विकास दर पिछले 8 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच सकती है। इसके मुताबिक जनवरी से मार्च तिमाही में विकास दर 2.1% रह सकती है, जबकि एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा 1.2% पर लुढ़क सकता है। 2019 से 20 के लिए अनुमान है कि विकास दर घटकर 4.2% पर लुढ़क सकती है। ये आंकड़े फिर भी घबराने वाले नहीं हैं। विकास दर में तेजी है, दुनिया के कई विकसित मुल्कों से ज्यादा तेज तरक्की बीते साल हमारी अर्थव्यवस्था ने की है, लेकिन अब कोरोना काल में ऐसा होने नहीं जा रहा। पिछले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के वक्त आरबीआई गवर्नर ने आशंका जाहिर कर दी थी कि 2020 से 21 में अर्थव्यवस्था नेगेटिव जोन में जा सकती है। इन्वेस्टमेंट डिमांड हैज वर्चुअली बीन हॉल्टेड बाय अ डिक्लाइन ऑफ 36% इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इन मार्च, व्हिच वाज कोइंसिडेंट विद अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 27% इन इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स इन मार्च एंड 57.5% इन अप्रैल। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने विकास दर का अनुमान लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इस काम की जिम्मेदारी तमाम रिसर्च एजेंसियां बखूबी संभाल रही हैं। एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट में 2020 से 21 की विकास दर का अनुमान -6.8% लगाया गया है। क्रिसिल ने 2020 से 21 में अर्थव्यवस्था के 5% तक सिकुड़ने की आशंका जताई है। वही मौजूदा तिमाही यानी अप्रैल से जून के लिए तो क्रिसिल ने इकोनॉमी में 25% गिरावट आने का अनुमान लगाया है, जो 2 महीनों से जारी लॉकडाउन को देखकर मुमकिन है। लेकिन मुश्किल केवल एक बरस तक सीमित नहीं है। क्रिसिल के अनुमान ने तो आर्थिक चिंताओं की लकीरों को और गहरा कर दिया है। रेटिंग एजेंसी के अनुमान के मुताबिक कोरोना के कहर से अर्थव्यवस्था को उबरने में कम से कम 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।